गुड मॉर्निंग, और सबसे पहले तो हैप्पी रामनवमी एंड हैप्पी दशहरा। मैं आज व्लॉग कर रही हूँ, यस आई एम व्लॉगिंग टुडे। आप सब लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि व्लॉगिंग करो, तो फाइनली आज मैं व्लॉग कर रही हूँ। और आज नवमी भी है और आज दशहरा भी है, तो मैं पूजा वूजा करूँगी और बच्चों को खाना वाना खिलाऊँगी। और आज हमने सोचा है कि हम थोड़ा कहीं घूम कर आते हैं, क्योंकि हम लोग आई थिंक घूमने जो गए थे वो जनवरी में गए थे, अभी तक नहीं गए। मीन्स हमें अगर देखा जाए तो 7 से 8 या 9 महीने हो चुके हैं, तो लेट्स सी कि हम कहाँ जाते हैं। बट अभी के लिए मैं अभी उठी हूँ, अभी फ्रेशन अप होंगी, फिर घर की क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद प्रसाद बनाऊँगी, पूजा करूँगी और फिर बच्चों को खाना खिलाऊँगी। मैं बच्चों को घर पे बुलाकर खाना नहीं खिलाती हूँ, हम लोग रेड लाइट पर जाके बच्चों को खाना दे देते हैं, तो वैसे ही करेंगे। ये सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊँगी, डोंट वरी कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। और फाइनली आई एम व्लॉगिंग टुडे, तो आपका वेट खत्म हुआ और लेट्स सी कि ये व्लॉग कब जाता है। मैं जल्दी कोशिश करूंगी कि जल्दी ही आप लोगों को मिल जाए। ओके, टिल देन बाय। तो अभी मैं बना रही हूँ हलवा प्रसाद के लिए, फिर मैं बनाऊंगी चने, फिर मैं बनाऊंगी खीर, ऐसे मेरा काम चलता रहेगा। बना लिया है, हलवा रेडी हो गया है, अब बारी आती है चने बनाने की, तो चलिए फिर चने बनाते हैं। ओके, और हाँ मुझे बताइएगा आप सब लोग कमेंट करके कि आपने अष्टमी पूजन किया था या फिर नवमी पूजन किया था, आप लोगों के क्या बनता है, नवमी या अष्टमी, क्योंकि हमारे यहाँ तो नवमी होती है। तो चने बना के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके, क्योंकि आई टुक शावर और रेडी भी हो गई हूँ जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और मैंने पहना है ये सूट एंड दिस इज माय आउटफिट ऑफ द डे, क्योंकि आज पूजा है। वैसे तो मैंने पूरे नवरात्रि में सूट पहना था, खैर मैंने सारा प्रसाद पहले ही बना दिया था, तो मैंने फटाफट से नहा लिया क्योंकि मुझे देर हो रही थी, बस पूड़ियाँ रह गई हैं, तो अब मैं सेकूंगी पूड़ी, फिर करेंगे पूजा, फिर बच्चों को देंगे खाना। तो अब मिलते हैं पूड़ी सेकने के बाद पूजा पे। ओके, जन्म
तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए टिफिन पैक कर रही हूँ, टिफिन लंच बॉक्स मुझे मिले नहीं तो ये डब्बे हैं, तो प्लीज आप ये मत कहना है मैं डब्बों में पैक कर रही हूँ। तो बच्चों के लिए प्रसाद पैक कर दिया है मैंने। ये पूजा हो गई और सामान भी पैक हो गया है, तो मैंने इसमें बच्चों को देने वाला खाना रख लिया है, मीन्स लंच बॉक्स। तो चलिए अब इसको देते हैं उनको। लेट्स गो। हेलो, एक बार फिर से हेलो, क्योंकि आपने वहां तक देखा था ना कि मैं बच्चों को खाना देने जा रही हूँ, तो मैं बच्चों को खाना देने गई थी लेकिन मैं ना अकेले गई थी। तो क्या हुआ कि पहले तो मुझे बच्चे मिले नहीं, क्योंकि वैसे मुझे हमेशा ना रेड लाइट पे बच्चे मिल जाते थे, तो मैं रेड लाइट पर देकर ही अपना ऑफिस चली जाती थी। बट पता नहीं आज क्या हुआ, रेड लाइट पे बच्चे ही नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा रैन बसेरा चलती, तो यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ ना वहाँ पे 2-3 रैन बसेरे हैं, तो वहाँ पे ना एक छोटा सा क्यूट सा बच्चा था, तो पहले मैंने उसको इशारा करके बुलाया और उसको दे दिया। और जब एक को दिया ना, तो एकदम से इतनी सारी बच्चे, इतने सारे उनकी मम्मियाँ और उनके पापा सभी लोग आ गए, और मैं लिमिटेड मतलब लेकर गई थी कि मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। तो एकदम से कोई मेरा दुपट्टा खींच रहा था, कोई मेरे सूट को खींच रहा था, कोई स्कूटी को क्लच को दबा रहा था, तो मैं थोड़ा सा डर भी गई थी, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि मैं अकेले गई थी। तो ना तो मैंने कोई वीडियो शूट किया और ना ही कोई मैंने क्लिप शूट करी और ना ही कोई फोटो, तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी। पर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा भी था और थोड़ा डरावना भी था, और मैं ना लौट के आके इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मैं ना सो गई थी, तो मैं ना तुरंत शूट नहीं कर पाई। तो अभी मैं आपसे मिल रही हूँ, तो अभी मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, मैंने रेस्ट भी कर लिया है, मैंने खाना भी खा लिया है। तो अभी मैं ना शाम को जाने की, जो मैंने आप लोगों को बताया था ना, उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये जो नेल्स इतने गंदे हो रहे हैं ना, क्योंकि आधा व्लॉग तो मेरा ऐसे ही शूट हो गया है, तो अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, जब तक मिस्टर हस्बैंड लौट के आते हैं ऑफिस से, तब तक हम अपने आप को तैयार करते हैं। तो मैं ये छुटाती हूँ गंदा वाला नेल पेंट और कुछ नया अच्छा सा लगाती हूँ, ड्रेस चेंज करती हूँ, क्योंकि ऐसे तो नहीं जाऊंगी। तो मैं ना थिनर और नेल पेंट लेकर आती हूँ। वेट, तो ये मैंने अपना कॉटन थ्रेड्स ले लिए हैं थिनर वाले, और ये कलर ले लिया है। तो सबसे पहले ये रिमूव करते हैं और मैं लगाऊंगी ऑरेंज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, लेट्स सी कैसा लगता है। और ये मेरा बेस कोट, चलिए जल्दी से कर लेते हैं इससे पहले कि देर हो जाए। और आप लोगों को दिख रहा है मैंने इतनी मेहनत से नेल्स बड़े करे थे करवा चौथ के लिए, और ये ना मेरा थंब का नेल ब्रेक हो गया है, और मुझे डर लग रहा है क्योंकि अभी ना 10 दिन बाकी हैं करवा चौथ में, तो ये यहाँ से टूटने वाला है। लेट्स सी कि मैं इसको कितने दिन चला पाती हूँ। सोच रही हूँ फेविक्विक लगा लूँ यहाँ पर। तो नेल्स क्लीन हो गए, अब बेस कोट की बारी। मैं हमेशा बोलती हूँ बिना बेस कोट के ना नेल पेंट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि नेल्स डैमेज हो जाते हैं। पहले लगाओ बेस कोट, फिर लगाओ अपना फेवरेट कलर का नेल पेंट, ठीक है। सूख गया, ये तुरंत सूख जाता है। अब एक्चुअली मैं ना व्हाइट एंड ब्लैक कलर का प्लाजो और टी शर्ट डालने जा रही हूँ, तो सोच रही हूँ कि इन दोनों का कॉम्बो लगा लो, पता नहीं कैसा लगेगा। ये बहुत चटैक कलर है, चटैक चटैक कलर है, चटैक कलर है। ओके, पर एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि कौन सा कलर अच्छा है। सो फाइनली मेरा रंग ते पसंद चोला माई, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मम्मी बोलती है बसंती कलर इसको। इसके 2 कोट करने पड़ेंगे, जहां तक मुझे लगता है है। और इस एक रिंग फिंगर पे लगाएंगे हम ब्लैक कलर।
लुक्स नाइस। आपको पता नहीं कैमरे पे कैसा लग रहा होगा बट काफी अच्छा लग रहा है ये। मैंने ये कॉम्बिनेशन फर्स्ट टाइम लगाया है। मैं इसका डबल कोट नहीं करूंगी। मुझे हो रही है देश। कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसको जल्दी से सुखा लेते हैं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ओके, तो अब जब मैं रेडी हो जाती हूँ फिर मिलती हूँ, ठीक है? बाय। मैं ऐसे गोल गोल घूम के अपना नेल पेंट सुखा रही हूँ। आप लोग कैसे सुखाते हो? तो मेरा नेल पेंट हो गया है अच्छे से ड्राई, तो मैं जा रही हूँ अब रेडी होने, यानी कि ड्रेस चेंज करने। और अभी मैं इस व्लॉग को यहीं पे खत्म कर रही हूँ, और नेक्स्ट व्लॉग यानी कि इसके आगे की कंटिन्यूटी आपको देखने के लिए स्टे ट्यून्ड विद वाओ कॉर्नर। और अब तक का ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और वाओ कॉर्नर को सब्सक्राइब भी कर दो। मैं चेंज करके आती हूँ। हैप्पी रामनवमी वंस अगेन, हैप्पी दशहरा वंस अगेन, और स्टे ट्यून्ड विद वाओ कॉर्नर आगे का व्लॉग देखने के लिए।